हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सील के बारे में। सील एक जलीय स्तनपाई है जो मुख्य रूप से ठंडे समुद्रों में रहती है। इनके शरीर का आकार बीच में गोल व सिरों पर पतला होता है। सील मांस भक्षी है, यह मुख्य रूप से मछली खाना पसंद करती है। सील की त्वचा के नीचे एक मोटी परत होती है जो इंसुलेशन प्रदान करती है, एक खाद्य आरक्षित के रूप में कार्य करती है और बुदबुदाहट में योगदान करती है। सील पानी में लगभग 35 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन यह जमीन पर केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाती है। पानी के भीतर सील पूरी तरह से जीवन यापन करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। सील अधिकतर समुद्र की सतह पर लेटना पसंद करती है। सील पानी में शिकार का पता लगाने के लिए अपनी मूंछ का उपयोग करती है। सील पानी में जरा सी आहट भी महसूस कर लेती है। सील पानी में सैकड़ों मीटर की गहराई तक चली जाती है। इसका शरीर पूरी तरह लंबे व गहरे पानी में तैरने के लिए अनुकूल है। उनका शरीर पूरी तरह सक्रिय रूप से तैरता है। सील का ब्लड मानव के ब्लड की तुलना में बहुत अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करता है, इसलिए यह गोता लगाते समय अपने दिल की धड़कन की गति को कम कर लेती हैं। इनके अक्सर सांस लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। जब वे गहरी गहराइयों में चले जाते हैं तो वे हवा की थैलियों से अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे घातक नाइट्रोजन के बुलबुले रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से बच जाते हैं। एक बार पानी के ऊपर एक सील की दिल की धड़कन 120 बीट प्रति मिनट तक बढ़ जाती है, ताकि अंगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। सील पानी और जमीन दोनों जगह आसानी से सो जाती है। सील गर्मी को संरक्षित करने के लिए इनकी त्वचा में ब्लड के प्रभाव को बंद कर सकती है। वे शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए अपने फ्लिपर्स का भी उपयोग करते हैं। सील पूरी दुनिया में 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी दक्षिणी एलिफेंट सील है। इसका आकार बड़ा होता है। इस प्रजाति का वजन लगभग 3800 किलोग्राम तक हो जाता है। नर सील की तुलना में मादा सील्स बहुत छोटी होती है। मादा सील्स का वजन लगभग 900 किलोग्राम तक पाया जाता है। नर सील की लंबाई लगभग 18 फीट तक होती है, जबकि मादा सील्स की लंबाई लगभग 10 फीट तक ही होती है। इनमें सबसे छोटी सील उंगली वाली होती है। इस सील की लंबाई लगभग 5 फीट और इसका वजन लगभग 65 किलोग्राम होता है। इस सील की प्रजाति में नर व मादा दोनों एक ही आकार के पाए जाते हैं। रियल सील आमतौर पर अंटार्कटिक के ठंडे समुद्र के पानी में रहती है। हार्प रिगेड, हुडेड, स्पॉड, दाढ़ी रिवन सील अधिकतर अंटार्कटिका में ही रहती हैं। फर सील और समुद्री लॉयन सील उत्तरी प्रशांत में एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर रहती हैं। यह आमतौर पर मछली का शिकार करते हैं, लेकिन वे ईल, स्क्विड, ऑक्टोपस और झींगा मछली भी खाते हैं। ग्रे सील एक दिन में लगभग 5 किलोग्राम भोजन खा लेती है। ये कभी कभी कुछ दिनों के लिए खाना भी छोड़ देते हैं और यह संभोग के मौसम के दौरान पूरी तरह से ही खाना बंद कर देते हैं और हफ्तों तक अपने संग्रहित बलबर से ऊर्जा से दूर रहते हैं। जब इनका संभोग का मौसम आता है तो नर सील मादा सील्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं।
जब संभोग के लिए यह पूरी तरह से तैयार होते हैं तो यह नर सील्स अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वह एक दूसरे के साथ संभोग करने से पहले आपस में मारने काटने के लिए लड़ते हैं, और जो भी नर सील लड़ाई में जीतता है तो वह अपने क्षेत्र की 50 मादा सील्स के साथ संभोग कर सकता है। एलिफेंट सील्स के स्मोकर का खून होता है क्योंकि इनके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा समान होती है। जब यह समुद्र में गहरे स्तर तक गोता लगाते हैं तो इनके खून में यह गैस का उच्च स्तर उनकी रक्षा करता है। हार्प सील 15 मिनट तक पानी के भीतर रह सकती है। फिडेल सील इससे भी अधिक प्रभावशाली होती है। यह 80 मिनट तक पानी के भीतर रह सकती है। यह केवल हवा के लिए पॉप अप करते हैं जब वे समुद्र के ऊपर बर्फ की परतों में छेद पाते हैं। सील अर्धविरत समुद्री स्तनधारी है। इनके पास 4 फ्लिपर्स हैं, इसलिए यह जानवरों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें पिनपिनिया के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ सील प्रजातियां अपने दिल की धड़कन को धीमा करके ऑक्सीजन को संरक्षित करके 2 घंटों तक पानी के भीतर सांस रोक सकती हैं। सील शुष्क भूमि पर जन्म देती हैं। हार्बर सील्स गर्मियों के महीनों में बच्चे पैदा करती है तथा ग्रे सील सर्दियों के मौसम में बच्चे पैदा करती है। इसलिए ग्रे सील के बच्चों में एक मोटी सर्दी रोकने के लिए एक मोटी परत होती है। यह इस भारी परत के कारण तैर नहीं सकती। यह जन्म के कुछ हफ्तों तक जमीन पर ही रहते हैं। इस दौरान यह केवल अपनी माँ का दूध ही पीते हैं क्योंकि इनको मछली पकड़ना नहीं आता। इनके जन्म के समय इनका वजन लगभग 10 किलो तक होता है तथा बाद में जब यह मछली पकड़ना सीख जाते हैं और शिकार करना शुरू कर देते हैं तो इनमें लगभग 40 किलोग्राम तक वजन हो जाता है। वयस्क सील शायद ही कभी पानी पीते हैं। उन्हें पानी पीने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। वह अपना ताज़ा पानी पीते हैं। उन्हें यह पानी उनके खाए जाने वाली मछलियों से मिलता है, लेकिन जब वह समुद्र में रहते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से नमक का पानी कभी कभी पी लेते हैं। उनके गुर्दे विशेष रूप से नमक को अलग करने और मूत्र के माध्यम से इसे बाहर निकालने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे पेशाब तो करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में करते हैं। रियल सील आमतौर पर छोटी समूहों में देखी जाती है और जब यह एक दूसरे के साथ संवाद करती है तो यह नरम आवाज में बात करती है। इन सील्स को आमतौर पर सामाजिक माना जाता है। जब यह जमीन पर होते हैं तो यह एक बड़ा समूह बना लेते हैं। इनके इस समूह में लगभग 1400 सील्स होती हैं। इनके इस समूह को झुंड कहा जाता है और यह आपस में एक दूसरे के ऊपर लेटे रहते हैं। सील्स का औसतन जीवन काल लगभग 30 वर्ष होता है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका पता आपको चल जाए।